नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम रिव्यू करेंगे सेकंड जनरेशन अर्टिगा VXI मॉडल का, जिसमें कि आप फ्रंट लुक देख रहे हैं गाड़ी की। और भी मॉडल इसमें अवेलेबल है। लो मॉडल इसका LXI, VXI, ZXI और ZXI प्लस इसका टॉप मॉडल है। और डीजल वेरियंट में भी अवेलेबल है, जैसे कि LDI, VDI, ZDI और ZDI प्लस। और AMT में भी अवेलेबल है पेट्रोल में, डीजल में। AMT में अवेलेबल नहीं है। और साथ में ही आपको फ्रंट लुक में बात कर लेते हैं हेडलैम्पों की, तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ इंडिकेटर और साथ में ही फॉग लैम्प नहीं दिए गए हैं इसमें, देख ही रहे हैं आप। ZXI मॉडल में मिलेंगे अगर आप ZXI लेते हैं फॉग लैम्प। और व्हील कवरों की बात करें तो सिल्वर व्हील कवर दिए गए हैं इसमें। और टायर का साइज़ है, देख ही रहे हैं आप, 185 65 और 15, यानी 15 इंचेस के आपको टायर दिए गए हैं इसमें और सिल्वर व्हील कवर के साथ। और जिसमें कि आप साइड प्रोफाइल देख रहे हैं गाड़ी की, साइड प्रोफाइल से काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। और साइड प्रोफाइल में आपको बॉडी पेंटेड ही दिए गए हैं डोर हैंडल वगैरह और साइड मिरर भी। और इसका बेस मॉडल लेते हैं तो LXI, उसमें आपको बॉडी पेंट नहीं मिलते, ना ही साइड मिरर और ना ही डोर हैंडल। बात कर लेते हैं लेंथ की, तो 4395 mm की लेंथ है। विड्थ की बात करें तो 1735 mm की इसकी विड्थ है। हाइट की बात करें तो 1690 mm की इसकी हाइट है। व्हील बेस है इसका 2740 mm का, इसका व्हील बेस है। और बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 180 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। और बात कर लेते हैं टर्निंग रेडियस की, तो 5.20 मीटर का टर्निंग रेडियस है इसका, 5.20 मीटर का। बात कर लेते हैं कर्व वेट की, तो 1155 kg का इसका कर्व वेट है। ग्रोस वेट की बात करें तो 1135 kg का इसका ग्रोस वेट है। फ्रंट में डिस्क, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगी। और साइड मिरर पे ही टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। डोर हैंडल वगैरह बॉडी पेंटेड मिलेंगे आपको इसमें, देख ही रहे हैं आप, बॉडी पेंटेड। और ये रियर लुक है गाड़ी की, रियर से भी काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। और इसमें आपको रियर में हाई माउंट स्टॉप लैंप वगैरह दिए गए हैं, रियर से भी काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। इसका मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। और अगर आप ZXI लेते हैं तो उसमें रियर वाइपर और डिफॉगर भी दिए गए हैं। इसमें VXI मॉडल है तो डिफॉगर नहीं मिलेंगे हाई माउंट स्टॉप लैंप के साथ, ना ही डिफॉगर है और ना ही रियर वाइपर है, देख रहे हैं आप इसमें, क्योंकि VXI गाड़ी है। और साथ में LED 3D टेल लैम्प दिए गए हैं इसमें। अर्टिका की बैजिंग मिलेगी आपको क्रोम फिनिश के साथ। इसका मोनोग्राम भी आपको क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग दी गई है, स्मार्ट हाइब्रिड गाड़ी है तो उसकी बैजिंग वगैरह, रिफ्लेक्टर और रिवर्स पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं इसमें, देख रहे हैं आप, चार रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। और ये दूसरी साइड की प्रोफाइल है गाड़ी की, दूसरी साइड से भी काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। और दूसरे साइड में भी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है इसमें, 45 लीटर की। प्राइस की बात करते हैं तो 8,16,000 VXI का प्राइस है एक्स शोरूम दिल्ली। प्राइस की बात करें तो 8,16,000 एक्स शोरूम प्राइस है ये, ऑन रोड प्राइस आपको शोरूम पे जाके पता लग जाएगा। बात कर लेते हैं सस्पेंशनों की, तो फ्रंट सस्पेंशन आपको मैकफर्सन स्टड टाइप दिए गए हैं विद कॉइल स्प्रिंग। रियर सस्पेंशन की बात करें तो टोरिजन बिम विद कॉइल स्प्रिंग दी टाइप दिए गए हैं रियर सस्पेंशन। और बात कर लेते हैं माइलेज की, तो 19.30 KMPL की माइलेज मिलेगी आपको इसमें। और बैक डोर खोल लेंगे और बूट स्पेस की बात करेंगे तो इसमें आपको 209 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, 209 लीटर का। और इसमें स्पेस भी दिया गया, अंदर भी देखिए तो डुअल स्पेस मिल जाते हैं आपको इसमें। और बात करते हैं कलर ऑप्शंस की, तो 5 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, जिसमें कि अर्बन रेड, मैग्मा ग्रे, सिल्की सिल्वर, ऑक्सफर्ड ब्लू, पैरल आर्टिक वाइट। और जैक वगैरह रखने का स्पेस मिल जाता है इसको आपको साइडों में। और चलेंगे अब रियर डोर के इंटीरियर में, बात करेंगे रियर डोर के इंटीरियर की क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। इनसाइड हेडल क्रोम के दिए गए हैं, पावर विंडो मिलेंगे आपको, बोतल वगैरह रखने का स्पेस मिल जाएगा और साथ में स्पीकर वगैरह भी दिए गए हैं इसमें मैप पॉकेट के स्पेस के साथ। ये टूल किट वगैरह है आपकी गाड़ी की। और साथ में ही आपको थर्ड रो वाली सीटों की बात करें तो पहले फोल्ड कर लेते हैं, सेकंड रो वाली सीटें फोल्ड हो जाएंगी और रिसाइकिलिंग भी है, यानी स्लाइडिंग भी हो जाती हैं सेकंड रो वाली सीटें, स्लाइडिंग भी कर सकते हैं आप इसको, आगे भी कर सकते हैं पीछे भी कर सकते हैं। और इसमें आपको हेडो की बात कर लेते हैं, तो थर्ड रो वाली सीटें हैं उनके हेडो की बात करें तो हाइट एडजस्टेबल दिए गए हैं।
साइडों में आपको बोतल वगैरह रखने का स्पेस मिल जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में भी स्पेस मिल जाएगा बोतल वगैरह रखने के लिए। ग्रिप असिस्टेंट दिए गए हैं लेफ्ट राइट में आपको, और साथ में ही रीडिंग लैंप भी है ग्रिप असिस्टेंट के साथ ही इसमें। और थर्ड रो वाली सीटों में आपको चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलेगा, वो आपको ZXI में मिलेगा। और ये सेकंड रो वाली सीटें हैं जिनके हेडों की बात करें तो सीटों के हेड जो है हाइट एडजस्टेबल दिए गए हैं, जो कि अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं आप सीटों के हेडों को। और सीटों के हेड हाइट एडजस्टेबल दिए गए हैं, और साथ में ही आपको आर्मरेस्ट भी दिया गया है। देखिए सेकंड रो वाली सीटों में आपको आर्मरेस्ट भी मिलेगा, अगर आप बेस मॉडल लेते हैं तो ये आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा। तो सेकंड रो वाली सीटों में आपको आर्मरेस्ट भी दिया गया है, और साथ में ही साइड डोर ट्रिम का लुक है जिसमें कि इनसाइड हैंडल क्रोम के दिए गए हैं। पावर विंडो बोतल वगैरह रखने का स्पेस मिल जाएगा आपको इसमें। तो डोर ट्रिमों पे, चारों डोर ट्रिमों पे आपको बोतल रखने का स्पेस मिल जाता है। साथ में स्पीकर भी दिए गए हैं इसमें, टूटर नहीं मिलेंगे, टूटर आपको ZXI में मिलेंगे। और लेफ्ट राइट में आपको ग्रिप असिस्टेंट वगैरह भी दिए गए हैं, और साथ में इस एसी वेंट्स रियर पैसेंजर के लिए 4 AC वेंट्स दिए गए हैं इसमें, जाकि ताकि कूलिंग अच्छी कर सके ये। और साथ में ही आपको लेग रूम की बात करें तो बहुत बढ़िया लेग रूम दिया गया है इसमें, लेग रूम की कोई प्रॉब्लम नहीं है सेकंड रो वाली सीटों में। और चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है साथ में, चार्जिंग सॉकेट और कुछ स्पेस मिल जाएगा आपको सीटों के पीछे। और ये आपको दोनों ही सीटों के हेड हाइट एडजस्टेबल दिए गए हैं साथ में ही। जैसा कि मैं रियर पैसेंजर सीट पर बैठा हूँ तो मैं फ्रंट डैशबोर्ड की एक लुक दे देता हूँ, कैसा लगता है आपको फ्रंट डैशबोर्ड देखने में। तो ये फ्रंट डैशबोर्ड का लुक है, डुअल टोन में दिया गया है, देख रहे हैं आप। चलेंगे अब फ्रंट डोर के इंटीरियर में, बात करेंगे फ्रंट डोर के इंटीरियर की। ये फ्रंट डोर का इंटीरियर देख रहे हैं, डोर ट्रिम जिसमें कि आपको क्रोम के हैंडल दिए गए हैं, चारों डोर पावर विंडो दिए गए हैं इसमें, ऑटो के साथ लॉक अनलॉक कर सकते हैं, शीशों को भी लॉक कर सकते हैं आप, साइड मिरर को फोल्ड कर सकते हैं, और साथ में ही इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी दिए गए हैं। दोनों फीचर्स मिल जाते हैं आपको इसमें। और साइड में आपको मैप पॉकेट का स्पेस, बोतल वगैरह रखने का स्पेस, साथ में स्पीकर। और बात कर लेते हैं ड्राइवर सीट की, तो ओनली आपको फोल्डेबल दी गई है, हाइट एडजस्टेबल नहीं दी गई है। ड्राइवर सीट आपको ZXI में मिलेगी अगर आप ZXI लेते हैं तो, या ZDI लेते हैं तो उसमें आपको हाइट एडजस्टेबल भी मिलेगी। और ये साइड वेंट्स जो कि आप देख रहे हैं, और ये आपको हेडलाइट ट्रैवलिंग के स्विचेस वगैरह दिए गए हैं, साथ में ही स्मार्ट हाइब्रिड के स्विचेस वगैरह मिल जाएंगे ऑन ऑफ। और साथ में ही आपको कुछ स्पेस मिल दिया गया है इसमें, राइट साइड में ही छोटे मोटे कॉइन वगैरह रख सकते हैं आप आसानी से इसमें। और बात कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील की, तो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग दिया गया है जो आपको डिजायर स्विफ्ट में देखने को मिलता है, वही स्टीयरिंग दिया गया है इसमें। टिल्ट स्टीयरिंग भी दिया गया है इसमें, अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं स्टीयरिंग व्हील को। ऑडियो कंट्रोल्स दिए गए हैं लेफ्ट साइड में, फोनी कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, फ़ोन उठा सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं। SRS एयरबैग और साथ में ही SK मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। राइट साइड में हेडलाइट के कंट्रोल्स, लेफ्ट में आपको वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। और साथ में ही आपको बात कर लेते हैं की की, तो स्मार्ट की मिलेगी आपको, रिमोट की देख ही रहे हैं आप, लॉक अनलॉक कर सकते हैं, दोनों की स्मार्ट मिलेगी आपको इसमें रिमोट की। और बात कर लेते हैं अब MID की, तो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में आपको 220 की स्पीड, फ्यूल वगैरह शो करेगा ये आपको, देख ही रहे हैं आप। और साथ में छोटी सी डिजिटल डिस्प्ले दी गई है जो आपको किलोमीटर वगैरह शो हो जाएगा इसमें, क्लॉक भी शो हो जाएगा, एवरेज वगैरह भी इसमें देख सकते हैं आप इसमें। और साथ में हिट कॉल्ड कंडीशन भी शो करेगा लेफ्ट साइड में, और साथ में RPM मीटर भी दिया गया है इसमें आपको, अगर आप डोर खोलते हैं कोई भी डोर खोलते हैं तो आपको शो करेगा ये कि आपकी गाड़ी का डोर खुला हुआ है, तो अच्छी चीज़ है, वार्निंग देता है आपको। और ये एसी वेंट्स, और ये आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम, CD वगैरह नहीं प्ले कर सकते आप इसके अंदर, देख रहे हैं आप, CD का ऑप्शन नहीं दिया गया है। और आपको ब्लैक पियानो फिनिश मिलेगी देखने को इंफोटेनमेंट सिस्टम में, टच स्क्रीन दिया गया है ये इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको, साथ में हजार के स्विचेस वगैरह मिल जाएंगे, और साथ में ही मैनुअल AC दिया गया है इसमें, मैनुअल AC है ये। तो ZXI लेते हैं तो आपको ऑटो AC मिलेगा, साथ में ही आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, USB ऑक्स के भी ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, और साथ में ही कुछ स्पेस, और एयर कूल्ड आपको 2 कप होल्डर दिए गए कंसोल पे ही, देख रहे हैं आप।
एयर कूल्ड है ये, और 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स के साथ, ब्लैक पियानो फिनिश के साथ, गियर लीवर और ये आपका हैंड ब्रेक लीवर क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। और साथ में ही आपको साइड बैंड्स SRS एयरबैग एक और दिया गया है, जो कि को ड्राइवर साइड है, देख रहे हैं आप। और इसमें आपको ग्लो बॉक्स, जो अच्छा खासा स्पेस ही मिल जाता है, ठीक ठाक स्पेस है इसका भी। और साइड डोर ट्रिम का लुक है, इनसाइड हैंडल क्रोम के दिए गए हैं इसमें, और पावर विंडो वगैरह, बोतल वगैरह रखने का स्पेस मिल जाएगा, साथ में स्पीकर। और फ्रंट में आपको सनवाइज़र, सनवाइज़र के साथ ही आपको रीडिंग लैंप, IRVM, ये डे नाइट है, देख ही रहे हैं आप। और ये को ड्राइवर साइड सनवाइजर बैटरी मिरर के साथ दिया गया है, ग्रिप असिस्टेंट वगैरह भी मिलेगा आपको को ड्राइवर साइड। और हुड खोलने का ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ, तो ड्राइवर साइड ही हुड खोलने का ऑप्शन दिया गया है, तो हुड खोल लेते हैं। बात करते हैं इंजन की, इंजन रूम में चलेंगे। और ये इंजन में आपको वाशर बोतल वगैरह, यहाँ से आप पानी डाल सकते हैं वाइपर में, वाशर बोतल दी गई है। और ये ब्रेक ऑयल डालने का ऑप्शन दिया गया है इंजन रूम में ही। और डिपस्टिक गेज है, यहाँ से इंजन ऑयल चेक कर सकते हैं अपनी गाड़ी का, बैटरी वगैरह, फ्यूज़ बॉक्स वगैरह। और साथ में ये एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम दिया गया है सेफ्टी फीचर्स में। बात कर ले इंजन सीसी की, तो 1462 cc का इंजन दिया गया है इसमें, यानी 1500 cc। और बात कर लेते हैं पावर की, तो 103 bhp की पावर मिलेगी आपको 6000 rpm पे। अगर हम टॉर्क की बात करते हैं तो 138 Nm की टॉर्क मिलेगी 4400 rpm पे। सो फ्रेंड्स, ये था रिव्यू आर्टिका VXI मॉडल का। ये रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। तब तक सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।